बोल सकता हूँ अभी तक का सफ़र, मतलब जितना भी मैंने ट्रिप किया 2-3 दिन में, आज का जो सफ़र है वो भंगार है मेरे लिए। और आहा, मज़ा आ रहा है, नेक दुखने के बाद भी मज़ा आ रहा है। जैसे ही टोल नाका गया उसके बाद रोड एकदम मस्त हो गया यार। 5:30 भी नहीं बजे अभी तक, 5:15 हो रहे हैं और मैं 25 किलोमीटर पहले हूँ। क्या रास्ता मिला रहेगा आप इमेजिन करो। चलो पांडरकवडा से अभी मैं निकल रहा हूँ नागपुर जाने के लिए। मैं सुबह जगदम्बा माता के मंदिर गया था, वहाँ का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और ये साइड में भी अभी जानकारी मिल रही है कि क्या क्या है आसपास देखने के लिए या फिर हिस्टोरिकल क्या क्या है। तो आगे चल के जब भी मैं आऊँगा अगली बार तो ट्राई करूँगा कि सब कुछ एक्सप्लोर करके आऊँ। अभी ये बहुत बहुत सच्ची में बहुत रैंडम ट्रिप थी एंड इसकी वजह से फिर इतना घाई घाई में हो रहा है सब, बट ठीक है, अच्छा हो गया। लाइनअप जो मैंने डिसाइड किया था वो सारा हो गया। अभी बस यहाँ से मैं जाऊँगा नागपुर, नागपुर में शादी है शाम की, कल सुबह मैं निकलूँगा परतवाड़ा जाने के लिए। अभी बस से जाऊँगा या ट्रेन से जाऊँगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे आने के बाद ट्रेन थोड़ी बेटर लगती है मुझे क्योंकि नॉन स्टॉप पहुँच जाते हैं। कहाँ से जाते, चलो इधर से जाते। ये क्या आ रहा है भाई आगे से, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, नहीं तो बाद में अगर कुछ और मोर्चा निकला तो अटक जाएंगे। अगर मैं यू टर्न मार के जाता हूँ लेफ्ट साइड में तो आदिलाबाद साइड जाता हूँ और सीधा जाऊँगा तो नागपुर जाऊँगा, और ये हाईवे अभी स्ट्रेट जाएगा नागपुर। जब मैं वर्धा आ रहा था काटोल से तभी भी स्ट्रेट हाईवे था, लेकिन मालूम नहीं, मैंने एक दो लोगों को वहाँ पे पूछा और इवन मैप भी बता रहा था तो मुझे वो राइट टर्न लेना पड़ा, जिसकी वजह से फिर वो जंगल एरिया से आना पड़ा, नहीं तो मुझे भी ऐसे हाईवे मिल जाता है। बट अभी कोई टेंशन नहीं, आराम से जाऊँगा मैं। 3:30 बज रहे हैं, कोई घाई नहीं है, 6:30 बजे शादी स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद कभी भी पहुँच सकता हूँ मैं फिर। यवतमाल 76 नागपुर 140, जिन लोगों को अमरावती जाना है वो यवतमाल से जा सकते हैं इफ़ यू आर ऑन दिस रूट। कॉटन ही कॉटन है यार ये साइड में, ऑरेंज और कॉटन बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। 140 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग सकता है अगर मैं मेरे स्पीड से जाता हूँ और रास्ते अच्छे मिल गए, मतलब बीच में ऐसे जो गड्ढे आ रहे हैं वो नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में मैं कवर कर लूँगा। लेकिन आराम आराम से अगर जाऊँ तो 2 घंटों के ऊपर लग सकता है 140 किलोमीटर। ये देखो उसमें भी मैंने अभी पीछे बैग बांध दी है, उसके ऊपर और एक थैली आई है अभी, तो उसकी वजह से मुझे उसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो निकल जाएगा किधर। तो हो ये देखो ऐसे पैचेस है, ये हाईवे है, देखो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे मालूम नहीं, लेकिन हाईवे की कंडीशन देखो। ये देखो ये ट्रक वाला ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ ये देखो सी, अभी रुका था मैप देखने के लिए कि दूसरा कोई अल्टरनेट रूट है या नहीं, क्योंकि ये इतना ऐसा अनइवन पैच है ना, जिसकी वजह से थोड़ा स्पीड पकड़ रहे फिर ख़राब रास्ता आ रहा है, फिर ख़राब यानी डांबर डाल के रखा है उन्होंने गड्ढों में और वो ऐसा बम्पी है, तो इस पे ये गाड़ी पे उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने सोचा कि वर्धा से जाते, लेकिन वर्धा और उल्टा पड़ रहा है मेरे को, मतलब अभी 128 किलोमीटर है यहाँ से नागपुर, अगर मैं वर्धा से जाऊंगा तो मुझे 158 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा फिर मैं सोच रहा हूँ कि यही रास्ता कंटिन्यू करते साइड से, गाने हैं इसके लिए बोर नहीं हो रहा है, नहीं तो ऐसे टाइम पे बहुत दिमाग ख़राब होने लगता है फिर। मेरा जो अभी नागपुर का रूट है वो हिंगन घाट से होके है, वहाँ से बुटी बोरी करके गाँव है और उसके बाद फिर आएगा अपना नागपुर। आई गॉड, नींद आ रही है अभी मेरे को।
खाना खा के निकला क्योंकि मैं, बट फिर भी ऐसा बोलते हैं राइस खाने से नींद आती है, तो मैंने राइस नहीं खाया है। ये सच्ची में है या नहीं मालूम नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं जब राइड करता हूँ तब कुछ खाता ही नहीं हूँ, सिर्फ नॉर्मल ड्रिंक्स पीता हूँ, छाछ लस्सी पानी। अभी अच्छे पैस दिख तो रहे हैं, होपफुली अच्छे रहे, ऐसे ही रहे। मैंडेटरी ब्रेक लिया है और ये ब्रेक मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये ब्रेक मैंने नहीं लिए तो मुझे शादी में जाने नहीं मिलेगा, घर पे सोना पड़ेगा पूरा सपाट एरिया पे। बोल सकता हूँ अभी तक का सफ़र, मतलब जितना भी मैंने ट्रिप किया दो तीन दिन में, आज का जो सफ़र है वो भंगार है मेरे लिए। बट ठीक है, ये एक ही सॉल्यूशन है इस पर कि ब्रेक लो 5-5, 10-10 मिनट का और उसके बाद आगे बढ़ूँ। एक बात अच्छी है कि हरियाली है पूरी। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप है तो रुका था मैं, पेट्रोल तो वैसे भराना नहीं है, पेट्रोल अपने गाड़ी में है, बट ये नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ से हिंगन घाट 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर के बाद बूटीबोरी मेन गांव है और उसके बाद फिर नागपुर। और कुछ इस तरह से ये आज का सेटअप है पूरा। ये बंजी कॉर्ड मैं लाया था घर से, ये एक्स्ट्रा थैली हो गई आज बस, बाकी तो परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। हेलमेट आज धोखा दे रहा है तू मेरे को, सिर्फ इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ बट आज सर में दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे अगर मैं ब्रेक लूँगा तो वो दर्द कम होता है। इधर पेन होता है मालूम नहीं अभी क्यों और कैसे, बट होता है, चलेगा। वेट की वजह से तो है और पैडिंग की वजह से हो सकता है, तो वो देखते, वो हमेशा का ही है मेरा, उसका कोई नया बात नहीं है। बट स्टिल 3 दिन इसने तकलीफ नहीं दी, आज दे रहा है सिर्फ, और आज ऐसे टाइम पे दे रहा है कि जिस टाइम पे रोड ख़राब है। अगर रोड अच्छे रहते और हेलमेट तकलीफ देता कुछ बुरा नहीं लगता मेरा, बट ऐसे टाइम पे नहीं रे दोस्त। ये है पहला टोल और इस कार के प्राइस इसके 115 रुपये है। जैसे ही टोल नाका गया उसके बाद रोड एकदम मस्त हो गया यार, अभी तक एक भी गड्ढा देखा नहीं मैंने। पावर ऑफ टोल नाका, क्या बात है। चलो फिर थोड़ा स्ट्रेच कर ही लेते हैं। इतना मज़ा आ रहा है अभी चलाने को, तो पहले का जो भी स्ट्रेस था सारा निकल गया अभी, और आहा मज़ा आ रहा है, नेक दुखने के बाद भी मज़ा आ रहा है। अभी सनसेट का थोड़ा इंतज़ार है मुझे, अगर सनसेट के वक्त मैं बाहर रहूँगा तो मज़ा आ जाएगा। दिल्ली 1148 किलोमीटर है, नागपुर 78। चलो दिल्ली जाते हैं। कौन सा शहर है भाई, स्टेशन है शायद इधर, हाँ कोई तो स्टेशन है, ये बड़ा शहर लग रहा है और है भी बड़ा। यवतमाल वगैरह आएगा कहाँ है भाई, बट यवतमाल ये रोड पे तो नहीं है, हिंगन घाट है। ओके इसके लिए, इसलिए हिंगन घाट है ये। यहाँ से अभी मैप चालू करना पड़ेगा, अभी ऐसा लग रहा है, मैप देख लेता हूँ मैं एक बार फट से। स्ट्रेट स्ट्रेट जाने का है, किधर भी नहीं मुड़ने का। अरे 1 घंटे पे है। चलो लेट्स डू दिस, ये आसानी से हो जाएगा अभी। Thank you.
पे भी रहेंगे शायद, लेकिन इतना नहीं, बाइक पे नहीं है इतना। हाँ बाइक पे भी है, देखो पहले के स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स और वो टोल जाने के बाद का रास्ता। आए हाय 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 हाय, मैंने कम समय में बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कंपेरेटिवली कंप्लीट किए हैं। नागपुर इज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स, मतलब 5:30 भी नहीं बजे अभी तक, 5:15 हो रहे हैं और मैं 25 किलोमीटर पहले हूँ। क्या रास्ता मिला रहेगा आप इमेजिन करो। चलो ऑलमोस्ट मैं पहुँच रहा हूँ अभी घर पे, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, किसी भी रिगार्डिंग बाइक रिगार्डिंग रूट रिगार्डिंग। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।